ये जितने भी पावर है, ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम के हाथ में है। अभी हम लोग पावर में नहीं है तो हुकूमत को और डिपार्टमेंट को इतना खौफ हमारे से क्यों? आवाम अपने राइट को नहीं समझती, उस वक्त तक ये जो हालात हैं ये तब्दील नहीं होंगे। मासूमों के ऊपर जुल्म करते हुए नंगा नाच कर रही है, आए दिन नए नए कानून जना लेकर आ रही है। SDPA गुलबर्गा की जानिब से जो ग्रैंड पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस, जो अवामी इख्तदार कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसका 29 तारीख को जुमा के दिन ये तय पाया था, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से लगातार रिक्विजेशन आने के बाद, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से गुजारिश के बाद फिर से 31 को पोस्टपोन किया गया है। आने वाला जो 31 जुलाई है, संडे के दिन, इतवार के दिन दोपहर 2:30 बजे ये प्रोग्राम को नेशनल कॉलेज ग्राउंड में रखा गया है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि आज के जो कर्नाटका रियासत के अंदर, जो यहाँ पर जिस तरीके से BJP अपना नंगा नाच रही है, उसके बाद लगातार एक के बाद एक यहाँ के मजलूम अवाम के ख़िलाफ़ जो कानून लाए जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ पूरे कर्नाटका रियासत में SDPI ऐसे ग्रैंड पीपल पावर कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से अवाम को ये बताना चाहती है कि ये जितने भी पावर है, ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अवाम के हाथ में है। जब तक अवाम इसको समझ नहीं पाती, अवाम अपने राइट को नहीं समझती, उस वक्त तक ये जो हालात हैं ये तब्दील नहीं होंगे। तो यही चीज़ SDPI अवाम से, अवाम के पास दरमियान में जाकर इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से ये बताना चाहती है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे रियासती लीडरान और साथ ही साथ जो नेशनल लीडर्स और बाहर के और भी दूसरे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं इसके अंदर आने वाले हैं। तो लिहाजा मैं अवाम से, गुलबर्गा की तमाम अवाम से ये अपील करता हूँ कि ज़रूर इतवार के दिन दोपहर 2:30 बजे जो आने वाला 31 जुलाई है, इसमें ज़रूर नेशनल कॉलेज ग्राउंड में इस कॉन्फ्रेंस को आए और इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाए। यही हमारा आप तमाम लोगों से अपील की जाती है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की जानिब से पावर पीपल कॉन्फ्रेंस जो 29 तारीख को रखा गया था, पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत ही पुरअसरार अपील के बाद उसको पोस्टपोन करके 31 जुलाई को किया रखा गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के एक कॉन्फ्रेंस करने के लिए पुलिस को परमिशन देने के लिए 2 महीने चाहिए। ये 2 महीने से परमिशन उनके पास हम लोग पूछ रहे हैं, अब जा कर के वो परमिशन हमें दिए हैं। अभी हम लोग पावर में नहीं हैं तो हुकूमत को और डिपार्टमेंट को इतना खौफ हमारे से क्यों? तो मैं गुलबर्गा की अवाम से ये गुजारिश करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि आप किराए के मकानों को छोड़ करके ख़ुद अपने ज़ाती मकान को जो है ना मजबूत करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के इस पीपल पावर कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए संडे के दिन ठीक 2:30 बजे, ये जो 31 जुलाई जो संडे के दिन है, ठीक 2:30 बजे जो है ना आप लोग यहाँ पर कसीर तादाद में आ कर के डिपार्टमेंट को और आज की BJP सरकार जो नंगा नाच कर रही है जुल्म करते हुए, यानी मासूमों के ऊपर जुल्म करते हुए नंगा नाच कर रही है, आए दिन नए नए कानून जो है ना लेकर आ रही है। तो तमाम गुलबर्गा की अवाम से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस पीपल पावर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके SDPI को और SDPI के इरादों को कामयाब करें।